और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, पीलीभीत से बड़ी खबर है। पीलीभीत में सपा पूर्व राज्य मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। हेमराज वर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बताएं कि हेमराज वर्मा ने पुलिस में इस मामले की शिकायत कर दी है। 2012 में सपा सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री भी रह चुके हैं हेमराज वर्मा, और अब देखिए जानकारी मिल रही है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है, एसपी से भी उन्होंने मुलाकात की है इस पूरे मसले को लेकर। 2012 में सपा सरकार में वो खाद्य एवं रसद मंत्री भी रह चुके हैं। पीलीभीत में सपा पूर्व राज्य मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, हेमराज वर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है और इस मामले को लेकर उन्होंने एसपी से मिलकर शिकायत भी की है। केस दर्ज हो चुका है। कौन है ये लोग जो हेमराज वर्मा को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, अब इसकी पड़ताल होगी। और देखिए जो नंबर है वो भी उन्होंने सौंप दी है पुलिस को कि किस नंबर से उन्हें मैसेज किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और इसी नंबर से उनको टेक्स्ट मैसेज किया गया, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। और इसी पर हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कोई जानकारी मिल पाई है क्या, किसने धमकी दी है, कौन लोग ये हो सकते हैं, क्या कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल बता दें, सपा पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा है जिनको जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन कई घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक इस नंबर का कोई पुलिस तलाश नहीं कर सके, जिसको लेकर किसी तरीके की जांच की बात करें, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो चुका है कि किसने जान से मारने की धमकी पूर्व राज्य मंत्री को दी है। अच्छा विक्रांत, इससे पहले भी हेमराज वर्मा क्या कुछ बता पा रहे हैं, इससे पहले भी क्या उनको किस तरीके की धमकी मिली? पूर्व राज्य मंत्री से वीपी गंगा ने बात करने की कोशिश की तो पूर्व राज्य मंत्री का साफ तौर पर कहना कि इससे पहले भी प्रशासन द्वारा उनके दोनों लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, सुरक्षा की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर पहले ही प्रशासन को उन्होंने अवगत कराया था, लेकिन किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने जिला प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद एक बार फिर से उनको जान से मारने की धमकी मिली है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।